तो साल का पहला दिन है, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, कैसे आप अपने लक्ष्य को कर पाएंगे प्राप्त साल 2024 में, यही आज ही प्रथम दिन पंडित जी आपको विशेषकर बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हो सके तो पेन डाउन कर लीजिए ताकि कहीं आप भूल ना जाएं। तो अब बात धनु राशि की भी कर लेते हैं। 2024 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, धन लाभ होगा या नुकसान हो सकता है, पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, अगर हाँ तो फिर इसके लिए उपाय क्या है पंडित जी, बजट भविष्यवाणी 2024 की। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। 2024 के शुरुआती 6 महीने धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र बुध बैठकर खर्चे बढ़ाएंगे। ये खर्चे ना तो बीमारी पर होगा, ना ये खर्चा ब्याज पर होगा, ना ये खर्चा मुकदमे पर होगा, ये खर्चा बच्चों की पढ़ाई पर होगा, ये पैसा विवाह शादी में होगा, ये पैसा यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं में होगा, और ये पैसा अपने भाई बहनों की मदद में खर्च होगा। 1 मई 2024 तक बृहस्पति 5वें भाव में रहकर 9वें और 11वें भाव को, पहले भाव को दृष्टि दे रहा है, इससे आपकी आमदनी बढ़ने के प्रबल योग है। फरवरी में मंगल और सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। साल के आखिरी 6 महीनों में लाभ दोगुना होने के आसार हैं। धनु राशि वालों के लिए 2024 निवेश करने के लिए एक अच्छा साल है, लेकिन इस साल आपको संपत्ति में निवेश बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद से 2024 के अंत तक आपको किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। नवंबर के कई महीने में कोई बड़ा खर्च आ सकता है, ऐसे में प्लानिंग करके चलें। शुभ ग्रह इस साल आपको गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ करा सकते हैं। संपत्ति को लेकर विवाद है तो इस साल वो भी सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। साल के कौन से महीने में आप आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे ये भी जान लीजिए। अक्टूबर 2024 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शुभ है, लेकिन अक्टूबर में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप चाहते हैं जून और जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहे, तो इसके लिए भी आपको किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना चाहिए। हर रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको सुबह शाम राम रक्षा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, राम दरबार की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे आपके सारे भवरोग भी समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवास। कन्या राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। 2024 में आपको धन लाभ होगा, क्या आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं नुकसान, गुणागणित क्या है पंडित जी कन्या राशि वाले? देखो, ऐसा है, कन्या राशि जो है जब वर्ष का प्रवेश हो रहा है तो उस समय ग्रहों की स्थिति तो ये है कि कन्या राशि में केतु है वो साल भर रहेगा, राहु 7वें भाव में है साल भर रहेगा, व्यय भाव में चंद्रमा है। तो कहने का मतलब 1 मई 2024 तक बृहस्पति के 8वें भाव में होने से आपको आर्थिक लाभ तो मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है, और लेकिन ये भी ध्यान देना है कि व्यय भाव पर भी दृष्टि है, धार्मिक खर्चे भी बढ़ेंगे। शुक्र और बुध आपको कोई जोखिम से बचाने में मददगार साबित होंगे। 2024 में कन्या राशि के जातकों को बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के निवेश करना होगा। जल्दबाजी में और लालच में आकर निवेश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति के 9वें भाव में आने से और शनि देव के 6ठे भाव में होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि केतु कुंडली मारकर आपकी राशि में बैठा हुआ है जो आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। तो 2024 में कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है।
2024 में कन्या राशि वाले जातकों को अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है, मुनाफा का भी योग है। अब ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप सही समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं। जनवरी से जून 2024 के बीच आपको निवेश से काफ़ी लाभ मिलेगा। साल 2024 के आखिरी 6 महीने आर्थिक मामलों में जोखिम भरे हो सकते हैं। इन 6 महीनों में संपत्ति में बड़ा निवेश करना ठीक नहीं होगा। इन महीनों में आपको किसी भी तरह का लोन लेने से बचना चाहिए। 2024 में कन्या राशि वालों को अपने करीबियों से आर्थिक नुकसान की भी संभावना है। अब कौन से महीने आपके लिए अच्छे हैं, विशेष रूप से अच्छे हैं, वो भी आप जान लीजिए। मई और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जून और अक्टूबर में भी आप पैसा लगा सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 2024 में हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना चाहिए, काला तिल चढ़ाना चाहिए। खर्च अगर परेशान कर रहा है तो हर रोज प्रातः और सायं 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और हो सके तो, आपकी कन्या राशि है, आप अपने घर में रोज विष्णु सहस्र नाम का पाठ सुबह शाम शुरू कर दीजिए। मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि आपका पूरा साल मंगलमय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।